पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आज ही के दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा योग दिवस मनाने का शुरुआत किया गया था और पूरे ही इंडिया के अंदर आज के दिन योग दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। कि आज आपने किस तरह से सेलिब्रेट किया है, क्या किया है? हम सभी बहनों ने अपने योगा क्लास में एक साथ योगा करी है और बहुत अच्छे अच्छे पोजेस बनाए हैं साथ में और हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कितना ज़रूरी है आज के वक्त में? आज के वक्त में जिस तरह का हमारा खान पान है, जिस तरह का हमारा रहन सहन है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, तो आजकल योगा करना बहुत ज़रूरी है। योगा बहुत ही माइल्ड एक्सरसाइज भी हो सकती है, हम रोज़ में अपने घर पर भी कर सकते हैं। मैं सभी को बोलूँगी कि ज़रूर योगा करें। इंटरनेशनल योगा डे है, किस तरह से सेलिब्रेट किया है आज आपने? आज के दिन हम सब यहाँ अपनी क्लास के लिए आए हैं और बड़ा स्पेशल हमें फील हो रहा है क्योंकि ज्योति मैम ने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करा हुआ है और आज ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जिसके लिए जिसकी थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो ये कहता है कि हमें योग स्वयं भी सीखना चाहिए और अपने आसपास वाले लोगों को भी जागरूक करना चाहिए ताकि वो योगा का निरंतर अभ्यास कर सकें। और योगा हम सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसका निरंतर अभ्यास हम सबको बीमारी तकलीफ़ों से दूर करता है, हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी सुधार करता है। मैं प्रियंका गुप्ता, मैंने 6 महीने से योगा ज्वाइन कर रखा है। मुझे योगा से बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मेरा स्वास्थ्य है, कोई भी मुझे शिकायत नहीं है। पहले मैं हर समय अपनी पेन में रहती थी लेकिन ज्योति मैम के सहयोग से, इस योगा सेंटर के सहयोग से मैं पूर्ण तरह स्वस्थ हूँ। मैं सभी को अपनी राय देती हूँ कि डेली योगा करें, चाहे घर करें, चाहे किसी सेंटर पर आके करें, चाहे कहीं भी करें, डेली योगा करें जिससे आप स्वस्थ रहोगे, आपका जीवन सुखमय और सुखी रहेगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।